बंगाल में हिंदुत्ववादी राजनीति अपने चरम पर है। बीजेपी की रणनीति भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा हिंदू मतदाताओं को अपने खेमे में रखा जाए। इसीलिए योगी आदित्यनाथ की 3 रैलियां आज उन इलाकों में की गई जहां पर हिंदू आबादी ज्यादा है। ये देखिए, हम आपको वो तमाम आंकड़े दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांकुरा में रैली की, यहां 92.24% हिंदू है जबकि सिर्फ 6.5% मुस्लिम आबादी है। यानी कि योगी आदित्यनाथ ने यहां पर रैली इसलिए की ताकि हिंदू वोटरों को पोलराइज किया जा सके। अगर एक मुश्त हिंदू वोटर बीजेपी में जाएंगे तो यकीनन इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, जिसकी कोशिश में लगातार वो पश्चिम बंगाल में लगी हुई है। इन सब के बीच पुरुलिया के बाद अब बात कर लेते हैं। योगी आदित्यनाथ बांकुरा की बात पुरुलिया पहुंचे थे, यहां 82% से ज्यादा हिंदू हैं जबकि महज 13% ही मुस्लिम आबादी है। तो यहां पर भी पुरुलिया में भी हिंदू वोटरों को लुभाने की कोशिश जमकर मुख्यमंत्री की ओर से की गई। पुरुलिया के बाद योगी आदित्यनाथ मेदिनीपुर पहुंचे, यहां पर 82% से ज्यादा हिंदू हैं जबकि सिर्फ 0.9% ही मुस्लिम आबादी है। मेदिनीपुर में भी जमकर गरजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज पश्चिम बंगाल में रैलियों का रेला लगा हुआ था। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरज रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी आज बंगाल में रोड शो और जनसभाएं की, जिनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता सूर्याग्नि राय ने। सुनिए, बांकुरा के बिष्णुपुर में आज जेपी नड्डा बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट यहां पे रोड शो कर रहे हैं। हम सवाल करेंगे जेपी नड्डा सर से। नड्डा जी, आज यहां पर आप यहां पे रोड शो कर रहे हो, बांकुरा में ममता बैनर्जी भी रोड शो कर रही है लेकिन आप इस ट्रक पे हो, ममता बैनर्जी व्हीलचेयर कैंपेन कर रही है। मुझे अपने कैंपेन पर पूरा भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बंगाल की जनता ने मन बना लिया है और ममता जी की टोलाबाजी, तुष्टीकरण और कटमनी कल्चर को नकारने का तय कर लिया है। आप मेरे साथ कैमरा घुमाइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। सर अगर एक देखिए, मैं ऐसे करता हूं उधर से वो रिस्पांस आता है। सर इसको देखो, कैंडिडेट को। सर बहुत सारे लोग बोलते हैं देंगे वोट। सर बहुत सारे कल बीजेपी के समर्थकों ने आपके हेस्टिंग्स ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया कि तृणमूल से आए हुए कैंडिडेट को ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। प्रजातंत्र पार्टी है, सब लोग डिसिप्लिन में करना और काम करना जानते हैं। सब मिलकर के ममता जी को चुनाव में शिकस्त देंगे और भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाएंगे। शोभन चैटर्जी ने रेजिग्नेशन डाल दिया, क्या कुछ फर्क पड़ेगा? हमारा परिवार है, सब लोगों को संभालना हमारा काम है, हम संभालेंगे। जेपी नड्डा बिष्णुपुर में सभा कर रहे हैं जहां पर 2019 में बीजेपी ने बिष्णुपुर और बांकुरा दो सीट को यहां पे जीता था और यहां पे 12 सीटों में से 9 सीटों पे उनकी लीड है। कैमरा पर्सन संतोष के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक बिष्णुपुर। तो जेपी नड्डा इस बात का दावा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी राज तय है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने तीसरे और चौथे चरण के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया लेकिन बीजेपी में इसको लेकर अब घमासान छिड़ गया है। कई बीजेपी उम्मीदवारों का टिकट कटने से कार्यकर्ता बागी हो गए और बीजेपी के कोलकाता ऑफिस के बाहर जमकर हंगामा किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये विरोध है अपनी ही पार्टी के खिलाफ। कोलकाता में बीजेपी दफ्तर के बाहर बागियों की फौज तैयार है। टिकट के बंटवारे की सियासत की तस्वीरें, जहां टिकट कटने के गुस्से का गुबार कोलकाता के बीजेपी दफ्तर के बाहर फट पड़ा। बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट का ऐलान क्या किया, बंगाल में पार्टी के अंदर से ही बागियों की फौज तैयार हो गई। कल तक जो नेता पार्टी के साथ मोर्चा लेकर टीएमसी के खिलाफ खड़े थे, बीजेपी में शामिल होने के बाद पूर्व टीएमसी के नेताओं को मिले टिकट ने कोलकाता में बीजेपी दफ्तर को जंग के मैदान में तब्दील कर दिया। 25 दिन से पहले आया, तृणमूल से आया, वो प्रार्थी हम लोग पसंद नहीं है, हम लोगों का प्रार्थी बदल चाहिए, पुराना पैसा लेके टिकट ले लिया। कौन पैसा लेके टिकट? जिला सभापति पैसा लेके टिकट दे दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोगों को पार्टी बदल होना चाहिए। जो पार्टी के लिए हम कर रहा है, ये पार्टी को चेंज करना चाहिए अविलंबे, राज्यों नेत्री के साथ
इस खबर हम आ रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कोलकाता के दिग्गज नेताओं पर संगीन आरोप लगाए हैं। सब केंद्रों का लीडर और राज्यों का कुछ लीडर है, दोनों मिल के उनको साथ दिया एवं उनको उनके लिए पैसा लिया, पैसा खा के उनको पार्टी किया। भाजपा के लिए एक परेशानी का सबब बन गया है जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उनके इलेक्शन ऑफिस के बाहर। आप देख सकते हैं कि कितने कार्यकर्ता यहाँ पर पिछले दो दिनों से इकट्ठा हो रखे हैं और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं भाजपा के सेकंड कैंडिडेट लिस्ट निकलने के बाद। उनका कहना है कि भाजपा ने तृणमूल से आए हुए नेताओं को टिकट देकर भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ गद्दारी की है और इसी के खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहे हैं। एक और बंगाल में संग्राम मचा हुआ था तो वहीं दिल्ली की राजनीति में भी उठा पटक देखने को मिली। सियासी घमासान के बीच राज्यसभा सांसद स्वपन दास गुप्ता ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। स्वपन दास गुप्ता को हुगली जिले के तारकेश्वर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिला है, जिस पर टीएमसी और कांग्रेस ने सवाल खड़े किए थे। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने संविधान की 10वीं अनुसूची का हवाला दिया, जिसके मुताबिक अगर कोई राज्यसभा का मनोनीत सदस्य शपथ लेने और उसके 6 महीने की अवधि खत्म होने के बाद किसी भी राजनीतिक पार्टी में शामिल होता है तो उसे राज्यसभा की सदस्यता से अयोग्य कर दिया जाएगा। चौतरफा घिरने के बाद अब स्वपन दास गुप्ता विधायकी की जंग के लिए तैयार है। कोलकाता से पौलमी शाह के साथ आज तक ब्यूरो।